इधर कोरबा में शक्ति नगर कॉलोनी के बीकन स्कूल की छत के एक हिस्से का प्लास्टर अचानक से गिर गया, जिसकी चपेट में आने से स्कूल के प्रिंसिपल घायल हो गए। यह हादसा स्कूल की छुट्टी के बाद हुआ, जिससे सभी छात्र सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा टल गया। देखिए रिपोर्ट। 1995 में बना कोरबा का बीकन स्कूल, जो अंदर से काफी जर्जर हो चुका है, अभी हाल ही में स्कूल की क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे, जिसके निरीक्षण के लिए स्कूल के प्रिंसिपल राउंड पर थे। इसी दौरान छत के एक हिस्से का प्लास्टर उनके ऊपर गिर गया, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो रहा था, उसके इंस्पेक्शन के लिए गया हुआ था। जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसा, बड़ा सा स्क्रैप ऊपर से सिर में, कंधे में, हाथ में गिरा, हाथ और कंधे में चोट आई है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में रखरखाव के अभाव में छत से मलबा गिरने की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी एसईसीएल गेवरा का सिविल विभाग लापरवाह है। क्लासरूम्स की हालत काफी जर्जर है, बिल्डिंग काफी पुरानी है, 30 साल हो गया, 95 में ये बिल्डिंग बनी हुई थी, और इसके मेंटेनेंस के लिए बार बार एसईसीएल प्रबंधन को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके रखरखाव में अभी तक कोई स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। तो इसका रखरखाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्कूल आवर होता तो बच्चों के साथ काफ़ी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी स्कूल मैनेजमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोजाना सैकड़ों बच्चे स्कूल आते हैं, साफ है अगर जल्द ही स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोरबा से साजिद की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।